नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत, सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सार्थक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप BPL राशन कार्ड में अपना नाम कैसे जुड़वाएं, उसके लिए आवेदन कैसे करें। या दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नया अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों अपने कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है MP eDistrict। जी हाँ दोस्तों, मैं MP की बात कर रहा हूँ। MP में आप अपने राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें, तो जो व्यक्ति MP से होंगे उनके लिए अच्छा चांस है दोस्तों राशन कार्ड बनवाने के लिए BPL कार्ड में, क्योंकि इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो जैसे आप MP डिस्ट्रिक्ट साइट को ओपन करेंगे, अगर आप MP डिस्ट्रिक्ट साइट नहीं ओपन कर पाना दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको MP डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप MP डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट करते हैं तो साइट थोड़ी लोड देगी, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही ये लोड लेगी तो जैसे ही दोस्तों ये साइट ओपन हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन होगा सर्विसेज का, उपलब्ध सेवाएं। तो जैसे कि दोस्तों इसमें उपलब्ध सेवाएं में बहुत सारी सेवाएं होंगी, तो आपको आवेदन करना है BPL कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों BPL कार्ड में नाम जुड़वाने का जो विभाग है, नगरी प्रशासन विभाग में आता है, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे देखना है कि नगरी प्रशासन विभाग कहाँ पे है। तो उसमें थोड़ा सा इसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल कर लें और नीचे अपना चेक कर लें कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो जैसे ही ये दोस्तों आपको शो होगा, तो आपको EKYC अप्लाई पे क्लिक करना है नगरी प्रशासन विभाग में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। जिनके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है, जिनके भी आधार कार्ड में, अपना आधार नंबर से लॉगिन करें, क्योंकि दोस्तों जिस आप आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको कम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करें और सुरक्षा कोड डालें और गेट OTP पे क्लिक करें, और उसके बाद जो OTP आए दोस्तों नीचे यहाँ पे फिल कर दे। चलिए दोस्तों इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे फॉर्म कैसे भरना है बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर से या आधार कार्ड से, तो आपके सामने एक ऑप्शन इस तरीके का खुल जाएगा कि आप इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप अपना नाम यहाँ पे फिल कर लें, पिता का नाम, यहाँ जिसका अप्लाई कर रहे हो पुरुष है या महिला है वो यहाँ से चूज कर लें। उसके बाद जो व्यक्ति हैं जिनका नाम से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो क्या पढ़े लिखे हैं, अगर हाँ तो हाँ कर दें वरना नहीं कर दें। उसके बाद दोस्तों उनकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, व्यवसाय सेलेक्ट कर लें, क्या है, कृषक है, व्यवसायी है, विद्यार्थी है या अन्य है। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि क्या उस BPL कार्ड के नीचे ही इनका परिवार जीवन यापन करता है, अगर हाँ तो यहाँ हाँ कर दें। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जिला अपना सेलेक्ट कर, जैसे मैं कर रहा हूँ तो उनका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उनका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में सिंगरौली तहसील में अर्बन एरिया है, और यहाँ से दोस्तों आप शहरी ग्रामीण हैं कहाँ से करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अगर शहरी करते हैं तो आप अपना वार्ड सेलेक्ट कर लें। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके की जानकारी फिल कर लेनी है, जैसे उसमें अपना नाम वगैरह फिल कर लें, यहाँ पे अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, UID नंबर फिल कर लें, UID यानी आधार कार्ड नंबर। दोस्तों जैसे फिल कर लेते हैं उसका सबमिट क्लिक करते हैं, तो ये दोस्तों कुछ एक जानकारी और आपसे पूछेगी
यहाँ से आपको अपने आवेदन जिनके नाम से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनका यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों जैसे फोटो सेलेक्ट करके अपलोड करना होता है, फोटो सेलेक्ट कर लें अपनी गैलरी से, तो जैसे ही दोस्तों आप इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी फोटो की साइज है दोस्तों वो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड हो जाती है तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड ऐसा कोई प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आपका नाम, एड्रेस प्रूफ और क्या कहते हैं आपकी डिटेल शो हो। तो इसमें आप कुछ भी डॉक्यूमेंट फिलअप कर लें, जैसा कि दोस्तों इसकी साइज जो है थोड़ी बड़ी है तो चलिए इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप वहां से कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे फोटो अपलोड कर लेते हैं, तो दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से जनरेट होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। आप इसको नोट कर लें दोस्तों, जैसे ही इसको आप नोट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कभी सर्वर एरर हो जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप जिनका आप बना रहे हैं बीपीएल कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं, यहाँ से ऐड करके उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो फिल करना जरूरी है। तो आप यहाँ से उनके जैसे कि जैसे उनका नाम यहाँ पे फिल करना है पहले दोस्तों, आप यहाँ से रिश्ता में आप यहाँ से सेल्फ लिख सकते हैं, और उनकी जो भी एज होगी आप वहां से जैसे मान लीजिए 25 साल के हैं, 25 साल के, तो यहाँ से आप उनको सबमिट कर लें। उसके बाद दोस्तों उनके फादर का नाम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वाइफ का नाम ऐड कर सकते हैं, उनके बच्चे हैं तो बच्चे का नाम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट की जो साइज होती है वो 1 MB की होनी चाहिए, और 1 MB के होने चाहिए दोस्तों। उसमें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं चूज फाइल पे करके, तो चलिए करते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से अपलोड कर, गलत डॉक्यूमेंट अगर हो गया है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें, और जो भी इसकी फीस तो नहीं कटती दोस्तों इसमें, आप इसको सबमिट, यहाँ से टारगेट डेट जो है दोस्तों 1 महीने का आपको मिलेगा। तो आपकी जो टारगेट डेट है दोस्तों 20/1/2020 की है, आप यहाँ से सबमिट कर देंगे दोस्तों तो ये यह जैसे कि नीचे दिखा रहा है आवेदन SDM ऑफिस बैठन महाजन चौक SDM ऑफिस को भेजा जा रहा है। तो आप यहां से रसीद इसकी जनरेट जो भी होगी आप देख सकते हैं, और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये कुछ इस तरीके का इसकी रसीद जनरेट होगी, यहां दिखा रहा है दोस्तों अधूरा आवेदन है क्योंकि अभी हमने सबमिट नहीं किया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नए अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।